Good morning, student. In the previous classes, we have completed our chapter 9 and all exercises of chapter 9. I think I hope you got it and you have to learn it. Okay? Today, we are going to start our chapter 10, The World of Growing Knowledge. Our chapter 10, today's our topic is The World of Growing Knowledge. बढ़ते हुए ज्ञान की ना बढ़ते हुए नॉलेज की दुनिया कैसी है ना उसकी स्टार्टिंग से उसके बेस से हम लोग आज के चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट बेस टुडेज आवर टॉपिक इज डिस्कसिंग टॉपिक इज बिगिनिंग फ्रॉम द आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने की कला कैसे शुरू हुई है ना लिखना कैसे शुरू किया लोगों ने वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 10 एवरीवन ओपन योर बुक लेट्स स्टार्ट Early human beings learned about things around them by observation and experimentation. तो एक्सपेरिमेंट करके और ऑब्जर्व करके अर्ली ह्यूमन जो होते हैं वो चीजों को सीखते थे ओके दे कुड नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग बट सीख तो लेते थे बट वो हमेशा के लिए याद थोड़ी हो जाता है ना आप भी चैप्टर हमने आज सिखा दिया तो आपको हमेशा के लिए याद थोड़ी रहेगा आपको फिर से एग्जाम देनी होगी आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा तब आपको कैसे मिलेगा है ना चीजें आपको फिर से चाहिए ना उसको रिवाइज करने के लिए उसको फिर से रिमेम्बर करने के लिए उसको लर्न करने के लिए तो आपके पास तो अभी नाउडेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपके पास तो वीडियोज हैं सोशल मीडिया है आपके पास नोटबुक्स हैं आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं बहुत सारी चीजें हैं बट इन द अर्ली टाइम पीरियड देयर वॉज नथिंग है ना वहां पे कुछ भी ऐसी कोई भी चीज उनके पास नहीं थी कि जिसमें वो रिस्टोर कर सके चीजों को स्टोर कर सके वो सिर्फ ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके ही उसको सीखने के बाद उसको स्टोर कैसे करना है कहाँ करना है वो चीजें उनके पास नहीं थी तो धीरे धीरे वो चीजों में इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ उनका नॉलेज उस बारे में कैसे ग्रो हुआ वी विल डिस्कस अबाउट दिस So, let's continue. So, they felt a need to develop a method of recording their knowledge. Knowledge तो उनको हो गया ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज तो उन्होंने अपना ग्रो कर लिया बट फिर उन्होंने धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किया कि इस नॉलेज को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं कैसे हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं विच कुड इजीली बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन और उसको स्टोर करके वो चाहते थे कि हमारा जो हमने जो सीखा है हमारा जो नॉलेज है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी कैसे हेल्पफुल हो सकता है कहाँ उसको किस तरह से हम उसको रखें कि वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी हेल्पफुल हो सकता है तो इस बिगेन द आर्ट ऑफ ड्राइंग पेंटिंग एंड राइटिंग फिर उन्होंने धीरे धीरे इसके लिए क्या किया कि उन्होंने पेंटिंग राइटिंग और ड्राइंग की आर्ट उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट की ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली राइटिंग ओके अर्ली मैन यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड गेस्टर्स साइंस और गेस्टर्स का यूज करके वो लोग बातें करना उन्होंने स्टार्ट किया ग्रेजुअली दे लर्न टू यूज देयर वॉइस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और अपने वॉइस को यूज करते थे अपने एक्सप्रेशन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को बताने के लिए अपनी चीजों को बताने के लिए वो अपनी वॉइस को यूज करते थे दे स्टार्टेड ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स वेयर दे लिव जिस गुफाओं में वो रहते थे उसकी दीवारों पे उन्होंने पेंटिंग्स बनाना वॉल पिक्चर्स बनाना उन्होंने स्टार्ट किया दे मोस्टली ड्रू एनिमल्स मोस्ट ऑफ वो लोग क्या एनिमल्स को ड्रॉ करते थे जो क्योंकि अर्ली ह्यूमंस कहाँ पे रहते थे जंगलों में मोस्ट ऑफ वहाँ पे रहते थे ऑलमोस्ट पीपल्स वहाँ पे रहते थे तो वो लोग उन्हीं लोगों के साथ रहते ही थे तो सबसे पहले उन्होंने एनिमल्स की पिक्चर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट किया दिस वॉज द फर्स्ट एफर्ट इन कम्युनिकेशन बाय ड्रॉइंग तो ये कम्युनिकेशन ड्रॉइंग का कम्युनिकेशन का फर्स्ट एफर्ट था पहला प्रयास था मैनी सच पिक्चर्स हैव बीन फाउंड इन एशिया एंड यूरोप और उसमें से बहुत सारे पिक्चर्स अभी भी एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं अंग्रेजली दे बिगेन टू यूज सिंबल्स फॉर वर्ड्स एंड साउंड्स फिर उन्होंने धीरे धीरे वर्ड्स और साउंड्स को यूज करना स्टार्ट किया सिंबल्स वर्ड्स और साउंड्स के लिए सिंबल्स को यूज करना स्टार्ट किया ओके सिंबल्स लेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट
और इस सिंबल्स ने फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए एक रास्ता दिखाया. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट कॉल्ड क्यूनिफॉर्म वॉज डेवलप्ड बाई सुमेरियंस. और सबसे पहले जो स्क्रिप्ट था उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, जो सुमेरियन के द्वारा डेवलप किया गया था. वेस्ट स्ट्रॉक्स वेर यूज एज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वर्ड्स. मतलब जिसको हम टांग सकते, जिसको हम लटका सकते हैं. तो उस टाइप का शेप का उन्होंने स्ट्रॉक्स बनाया, जिसको कि उस वेस्ट शेप को यूनिफॉर्म वर्ड से, उस स्क्रिप्ट को यूनिफॉर्म वर्ड से पहचाना जाता है. ठीक है, स्ट्रॉक्स वे यूज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट वर्ड्स. वर्ड यूनिफॉर्म मीन्स वेल शेप, है ना. यूनिफॉर्म वर्ड्स का मीनिंग ही वेज से होता था. एट द सेम टाइम द इजिप्शियंस यूज्ड अ सिस्टम ऑफ पिक्चर राइटिंग कॉल्ड हिएरोग्लिफिक्स. राइटिंग की जो पिक्चर्स उन्होंने धीरे धीरे बनानी, स्क्रिप्ट की राइटिंग की पिक्चर्स जो बनानी उन्होंने स्टार्ट की, उसको हिएरोग्लिफिक्स कहा जाता था. सेम टाइम ये एक स्क्रिप्ट भी उसी समय अस्तित्व में आई. सच एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. चाइना, कोरिया एंड जापान स्टिल यूज स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन पिक्टोरियल सिंबल्स. इस तरह से पिक्चर चित्र द्वारा जो सिंबल, चित्र का सिंबल का यूज करके जिस तरह का जो रिस्टोर किया जाता है, उसका जो उसके थ्रू जो नॉलेज स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसका अभी भी चाइना, मेसोपोटामिया, कोरिया एंड जापान, इजिप्ट वगैरह अभी भी उसको यूज करते हैं. ओके, सिंबल्स स्लोली गिव बर्थ टू लेटर्स. तो ये सिंबल्स धीरे धीरे उन्होंने लेटर्स को जन्म दिया. मतलब सिंबल्स से आइडिया लेके फिर धीरे धीरे लेटर्स लिखना भी स्टार्ट हुआ. इन इंडिया द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ राइटिंग हैव बीन फाउंड ऑन द सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. और अर्ली इंडिया में सबसे पहला जो राइटिंग का सबसे पहला एग्जाम्पल कहाँ पे पाया जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, के जो स्क्रिप्ट हैं उसमें सील के स्क्रिप्ट में पाए जाते हैं. ओके, एक्सपर्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू रीड इट. अभी भी हमारे एक्सपर्ट्स उसको रीड करने की कोशिश करते हैं. सच सील्स कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली. और उसमें से कुछ सील को दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में वहाँ पे रखा भी गया है. ब्राह्मी स्क्रिप्ट केम आफ्टर दिस स्क्रिप्ट. और इस स्क्रिप्ट के बाद इंडियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट अस्तित्व में आई. मैनी इंडियन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन दिस स्क्रिप्ट. और बहुत सारी इंडिया की जो लैंग्वेज है ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट बेस्ड हैं. अवर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इज बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट इन विच आर द विच द लेटर्स आर बेस्ड ऑन साउंड एंड नॉट ऑन पिक्चर्स. हमारी जो हिंदी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, हमारी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, तो वो भी ब्राह्मी वो देवनागरी स्क्रिप्ट पे बेस्ड है. दिस स्क्रिप्ट हैज आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है, उस पे ही आधारित है. वी आल्सो यूज उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट इन अवर कंट्री. उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट भी हमारे इंडिया में यूज की जाती है. सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर गिवन बिलो. और उसमें से कुछ स्क्रिप्ट हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे आगे हमारे चैप्टर में. बट टुडे आवर क्लास इज ओवर एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.